हर साल 100% आने वाले थ्रिप्स अगर हम समय रहते कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारी फसल का नुकसान होना तय है। इसलिए पहले हमें थ्रिप्स क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, फसल पर अटैक होने पर थ्रिप्स को कैसे पहचाना जाए और सबसे अहम बात, थ्रिप्स कंट्रोल कैसे करें, और इन सभी के साथ आज की खास बात होगी। तो मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हैं अन्निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। थ्रिप्स आकार में चप्पल के आकार का, दो पंखों वाले और 2 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। ये कई रंगों के आते हैं, लेकिन हमारे देश में हम सिर्फ पीले और काले थ्रिप्स को देखते हैं। इनकी पहचान करने के कई तरीके हैं, जैसे कि फसल के कोमल पत्तियों को वाइट पेपर या मोबाइल के ब्लैक स्क्रीन पर झटका देके पेपर या स्क्रीन पर देखना कि कितनी थ्रिप्स है। कई लोग लेंस से भी देखते हैं। कुछ लोग फसल में लगाए हुए येलो स्टिकी पैड को देखकर जानते हैं कि कौन सा थ्रिप्स है, और कुछ लोग इतना माहिर हो जाते हैं कि उन्हें फसल देखकर ही पता चल जाता है कि इस पर थ्रिप्स का अटैक हुआ है। कैसे, तो सुनो, थ्रिप्स केवल फसल के कोमल भाग पर ही अटैक करता है। ये पत्तियों के किनारे पर रस चूसने के कारण पत्तियां अंदर की तरफ सिकुड़कर थोड़ी किनारे की तरफ काली पड़ जाती है, और फसल की पत्तियां नीचे की तरफ सिकुड़ गई तो यह रेड माइट भी हो सकता है। ऊपर की तरफ थ्रिप्स, नीचे की तरफ रेड माइट, यह हुई पहचान। अब जानते हैं थ्रिप्स के लाइफ साइकिल के बारे में। इसे अंग्रेजी में मेंथा साइनो तेरा भी कहते हैं। लाइफ साइकिल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि कौन सी इंसेक्टिसाइड लेनी है। थ्रिप्स की दुनिया भर में 4,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। एक मादा थ्रिप्स एक बार में 30 से 50 अंडे देती है। इन अंडे में से लार्वा यानी कि इलिया 2 से 5 दिन में निकलती है। इन लार्वा से प्यूपा स्टेज और प्रौढ़ अवस्था में पहुँचने के लिए 5 से 7 दिन लगते हैं। मतलब लगभग 10 से 14 दिनों में थ्रिप्स कंट्रोल हुए तो ठीक, नहीं तो इसकी प्रौढ़ावस्था को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थ्रिप्स अपना खाना पत्तियों में से रस चूसकर ही खाते हैं। इसे जब फल छोटे होते हैं तब फल पर खरोच कर यह रस चूसते हैं, और जैसे ही फल बड़े होते हैं वैसे ही यह खरोचे भी बड़े होकर फलों की क्वालिटी बिगाड़ देते हैं, कम कर देते हैं। अब इसका कंट्रोल कैसे करें, यह बताने से पहले आज की खास बात। मेरा और कई किसानों का निरीक्षण है कि आसमान में जब बादल आते तभी थ्रिप्स का अटैक होता है। बादल आने पर ऐसा क्यों होता है यह मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन बादल आने पर नई पत्तियां निकलती है, थ्रिप्स बढ़ी जाते हैं। इस बात पर आपका क्या अनुभव है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बादल के अलावा भी थ्रिप्स आते हैं। अब थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए येलो स्टिकी पैड लगाकर या सिलिकॉन के स्प्रे या वर्टिसिलियम और बिवेरिया जैसे बैक्टीरिया का स्प्रे कर हम थ्रिप्स कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। 100% कंट्रोल करने के लिए हमें बेस्ट थ्रिपिसाइड की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले स्पिंडरोल आता है, जिसमें स्पिनोसेड आता है, उसके बाद डेलीगेट जिस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक हम ऊपर के आई बटन में दे रहे हैं। फिर आता है अबासिन, जिसमें एबामेक्टिन बेंजोएट आता है, और रिजेंट भी अच्छा काम करता है। यह हुए बेस्ट सिस्टेमिक थ्रिपिसाइड। थ्रिपिसाइड का मतलब थ्रिप्स को मारने वाला। अब इसके साथ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड तो लेना ही है, तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड लेते वक्त उसमें ओविसाइडल एक्शन भी होनी चाहिए। ओविसाइडल मतलब अंडे को नष्ट करना। अब इसमें नुआन, प्रोपेक्स सुपर, क्लोरो आते हैं। स्प्रे करते वक्त सिस्टेमिक और एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड ले। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलते हैं, यह मुझे पता है। नए वालों प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जय जवान जय किसान।